जय गुरु जी। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज हम जानेंगे लकी नंबर्स के बारे में, कौन से आपके लकी नंबर्स है और कौन से आपके अनलकी नंबर्स है, लकी नंबर्स को हमें कैसे यूज करना चाहिए और कैसे हमें अनलकी नंबर्स को अवॉइड करना चाहिए, इससे हमें लक एनहेंसमेंट में कितनी मदद मिल सकती है, ये सब के बारे में डिटेल में आज हम जानेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। तो आइए आज हम जानते हैं लकी एंड अनलकी नंबर्स के बारे में। अब कोई भी जो नंबर है, 9 प्लैनेट्स है, 9 प्लैनेट्स 9 नंबर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो हर एक नंबर जो होता है एक ग्रह को दर्शाता है। तो सीक्वेंस से हम जानेंगे इसमें डिटेल में। सो लेट्स कंसिडर अ डेट ऑफ बर्थ, एग्जाम्पल 13/8/2010। अब जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है, मूलांकन भाग्यांक आप निकाल लीजिए, दैट इज सम अप योर डेट ऑफ बर्थ टू अ सिंगल डिजिट, दैट इज नंबर 4, और पूरा डेट मंथ और ईयर को सम अप करके सिंगल डिजिट जो आता है वो आपका भाग्यांक है। अब हम जानेंगे लकी नंबर्स के बारे में। लकी नंबर वो जो होता है वो नंबर है जो आपके मूलांक के साथ भी लकी हो और आपके भाग्यांक के साथ भी लकी होना चाहिए। हर एक नंबर का फ्रेंडली प्लैनेट है, फ्रेंडली नंबर है, और एनिमी प्लैनेट है, एनिमी नंबर है, एंड सम नंबर्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना पॉजिटिव रिजल्ट देंगे ना नेगेटिव रिजल्ट देंगे। सो लेट्स कंसिडर नंबर 1। नंबर 1 जो होता है सूर्य ग्रह को दर्शाता है, तो आप में वही क्वालिटीज होंगे जैसे सूरज में है। सूरज क्या है? ही इज अ गिवर, आप भी देने वाले होंगे। सो सिमिलर और योर क्वालिटीज, दैट इज नंबर 1। एंड सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर को हम राजा भी बोलते हैं, इससे याद रखना आसान हो जाएगा। सेकेंड नंबर इज क्वीन, डिनोटेड एज क्वीन नंबर, दैट इज चंद्रमा को दर्शाता है। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन के कारक है, दैट मीन्स इमोशंस। ऐसे लोग यूजुअली इमोशनली अपने डिसीशंस लेते हैं, ये दिल के राजा होते हैं, दैट इज नंबर 2। देन कम्स नंबर 3। नंबर 3 जो है बृहस्पति भगवान को दर्शाता है, दैट मीन्स द नंबर ऑफ गुरु, देव गुरु, नॉलेज। यूजुअली ऐसे लोग नॉलेजेबल होते हैं। देन कम्स नंबर 4, दैट इज रिबेल, मिस्टेरियस नंबर, राहु का नंबर। यस, ऐसे लोग यूजुअली फोकस अगर रखें जिंदगी में तो बहुत सक्सेस पाते हैं, बट मल्टीटास्किंग करने जाके ये फेल भी होते हैं, दैट इज नंबर 4, राहु। देन कम्स नंबर 5, इसे हम समझेंगे एक छोटे बच्चे की तरह, दैट मीन्स प्रिंस। अब आप देखिए, कहीं भी छोटा बच्चा कभी भी किसी को भी दिखे, हर कोई छोटे बच्चे से प्यार करते हैं, छोटे बच्चे से कोई भी एनिमिटी नहीं रखना चाहता है। सिमिलरली इस ग्रह के साथ भी, अगर आप लोशो ग्रिड में भी देखते हैं, इसकी प्लेसमेंट जो होती है बीच में आती है, दैट मीन्स सेंटर, और ये बच्चे की तरह है, दैट मीन्स प्रिंस। सो इसीलिए इसके कोई एनिमी प्लैनेट नहीं होते हैं, हर कोई इससे प्यार करता है। इसे हम समझेंगे बुध ग्रह, दैट इज नंबर 5। देन कम्स नंबर 6। 6 जो होता है वीनस को दर्शाता है, दैट इज शुक्र ग्रह। अब शुक्र कौन है? दैट इज दैत्यों के गुरु, तो है तो आखिर वो भी गुरु ही, तो उनके भी जो एनिमी प्लैनेट्स होंगे, बेसिकली आपने देखा होगा त्री जो देव गुरु है उनके एनिमी है 6, दैट इज दैत्य गुरु, और 6 प्लैनेट के कट्टर एनिमी होते हैं 3, दैट इज देव गुरु, क्योंकि दोनों गुरुओं को एक दूसरे से बनती नहीं है। बाकी नंबर्स जो है इनके आइदर फ्रेंडली कैटेगरी में आते हैं या न्यूट्रल कैटेगरी में आते हैं। देन कम्स नंबर 7। 7 को हम सेंट, मॉन्क की तरह समझेंगे, इसे डिटैचमेंट का नंबर है, ये केतु का नंबर है, इसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो जब किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है तो झगड़ा किस बात का? सो सिमिलर वे ये किसी से पंगा नहीं लेता है। सो मोस्टली केतु के लिए एनिमीज नहीं है,
आइदर फ्रेंड्स है या न्यूट्रल है। देन कम्स नंबर एट। अब नंबर एट जो होता है शनिदेव को दर्शाता है। अब शनिदेव क्या है? कर्म के फलदाता, कर्म के फलदाता एज वेल एज अ स्ट्रिक्ट जज, राइट। तो अब स्ट्रिक्ट जज के यूजुअली आप देखिए एज इट इज, कोई भी अगर कोर्ट के जो जजेस हैं आप देखिए उनके सोशल सर्कल ज़्यादा नहीं होते हैं। दे हैव लिमिटेड फ्रेंड्स एंड दे आर नॉट सीन मच इन सेलिब्रिटी पार्टीज एंड ऑल, राइट। सिमिलर वे में इनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, इनके लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं। और इनके दुश्मन कौन होंगे? सूर्य। भले ही पिता पुत्र का रिश्ता है नंबर वन एंड नंबर एट में, बट शनिदेव जो है सूरज भगवान के सौतेले पुत्र है, इसीलिए इनकी बनती नहीं है। सो वन एंड एट कम इन एनिमी कैटेगरी। देन वी कम टू नंबर नाइन। अब नाइन नंबर क्या है? मंगल का होता है। अब मंगल देवता क्या है? ये ह्यूमैनिटेरियन का भी नंबर है। ऐसे लोग यूजुअली काइंड हार्टेड होते हैं यूजुअली, बट ये अग्रेसिव भी होते हैं, बहुत गुस्से वाले भी होते हैं। इनको क्या करना चाहिए? नंबर नाइन को हमेशा अपनी एनर्जी बैलेंस करके चलना चाहिए। बैलेंस कैसे करें? या तो आप उसके रिलेटेड ही प्रोफेशन सेलेक्ट कर लें, लाइक डिफेंस, आर्मी, पुलिस, जहाँ की एक्चुअल फिजिकल एनर्जी यूज़ हो। और नहीं आप उस प्रोफेशन में नहीं हो तो आपके लिए टिप है, आपको अपने फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। यू शुड गो टू जिम रेगुलरली। दिस वर्क्स एज अ मेजर रेमेडी फॉर नाइन पीपल। अब हमने ग्रह तो समझ लिए 1 to 9। अब इनके कौन से फ्रेंड्स हैं और कौन से दुश्मन हैं ये हम जानेंगे। ये हम जानेंगे एक डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से। कंसिडर अ डेट ऑफ बर्थ 21/10/2008। इसका मूलांक है 3 एंड भाग्यांक है 5। अब फर्स्ट रूल जो मैंने बोला, आपको मूलांक के सारे एनिमी और न्यूट्रल नंबर्स को एलिमिनेट करना है। तो इन दिस केस व्हेन यू सी, आप लिख लीजिए, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, नंबर 1 to 9 आप लिखिए और मूलांक 3 का जो एनिमी नंबर है दैट इज नंबर 6, पहले उस पर क्रॉस करेंगे हम। देन वी गो टू द न्यूट्रल नंबर्स, दैट इज न्यूट्रल नंबर फॉर मूलांक 3 इज 4, 8, 7, 9। तो इन सब नंबरों को भी आप क्रॉस करिए। देन लेट्स कंसिडर द भाग्यांक। भाग्यांक इन दिस केस इज 5। सो 5 के जो एनिमीज है, मैंने बोला ये तो प्रिंस है, इसके कोई एनिमी नहीं है, तो नो एनिमीज। अब 5 के न्यूट्रल नंबर कौन से हैं? दे आर अगेन 4, 7 एंड 8, 9। तो इनको हम क्रॉस करेंगे। सो आपके लकी नंबर्स हैं 1, 2, 3 एंड 5। सो इस तरह से आपको हमेशा अपना मूलांक और भाग्यांक निकाल लेना है और उसमें से अपने एनिमी नंबर्स एलिमिनेट करिए फर्स्ट, देन न्यूट्रल नंबर एलिमिनेट करिए, फिर दोनों में कॉमन जो नंबर्स होते हैं लकी नंबर्स, दैट इज योर एक्चुअल लकी नंबर। उम्मीद करती हूँ ये क्लियर है अब तक। एंड अब हम जान गए कि हमारे लकी नंबर कौन से हैं। अब हम इसे यूज़ कैसे करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में कि हमें सक्सेस मिले, तो क्या करना चाहिए आपको? जो भी आपका लकी नंबर आया, जैसे इन दिस केस 1, 2, 3, 5, आप अपने मोबाइल नंबर को लकी नंबर पे लेके आइए। अब मोबाइल नंबरोलॉजी इट्सेल्फ इज़ अ बिग टॉपिक, बट आई कवर अ फ्यू थिंग्स इन दिस। मोबाइल नंबर जो टोटल, जो 9 digit, 10 digit का जो नंबर होता है, टोटल ऐड करके सम अप करके जो सिंगल डिजिट नंबर आता है, वो आपके लकी नंबर पे आना चाहिए। अगेन, मोबाइल में कभी भी मल्टीपल जीरोस मत रखिए। मोबाइल नंबर शुड नॉट हैव मल्टीपल 4 नंबर्स। ये कुछ गाइडलाइंस हैं मोबाइल नंबर के लिए। और मोबाइल नंबर का वाइब्रेशन अच्छा होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सी अ नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल 9, 8 एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर 5, 4, 3, 2, 1, तो क्या फीलिंग आता है आपको कि ग्राफ नीचे जा रही है? तो कोशिश करिए ऐसे नंबर नहीं लीजिए। द वाइब्रेशन ऑफ द नंबर शुड ऑल्सो बी वेरी गुड। देन ये लकी नंबर आप अपने व्हीकल में भी यूज़ कर सकते हैं, आपके कार में, आपके टू व्हीलर्स में। कैसे यूज़ करेंगे? सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कार नंबर है, लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल, दैट इज MH04DJ7606। अब इस व्हीकल नंबर में आप देखिए कि MH04 जो है ये कॉमन है किसी भी स्टेट के लिए। सो बहुत सारे लोग इस नंबर को शेयर करते हैं। सो डोंट कंसिडर इट, ओनली द लास्ट 4 डिजिट
नंबर ऑफ द व्हीकल जो आपके लिए यूनिक है, यही आपका लकी नंबर होना चाहिए। दैट मीन्स 7606 जब ऐड करके सिंगल डिजिट में हम लेके आते हैं, वो आपके बर्थ मूलांक और भाग्यांक के साथ लकी नंबर ही होना चाहिए। एनिमी या न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल एक बार फिर भी चल जाएगा, एनिमी नंबर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सिमिलर इज द केस विथ हाउस नंबर। आपके हाउस नंबर को भी जोड़ के देखिए, क्या वो टोटल आपके लकी नंबर के साथ सिंक हो रहा है? देन येस, दैट हाउस इज लकी फॉर यू। उम्मीद करती हूँ लकी अनलकी नंबर्स की जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी और आप अपने लाइफ में इसे यूज करके भरपूर सक्सेस पाएंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपका डेट ऑफ बर्थ है और क्या आपका व्हीकल नंबर है और क्या आपका हाउस नंबर है। विल मीट अगेन विथ अनदर न्यू टॉपिक। टिल देन गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।